हाय एवरीवन। सो काफ़ी दिनों बाद हायरिंग एंड टेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं। हर बार आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और होप करूंगा इस बार भी आपको ये वीडियो पसंद आए। सबसे पहले यहाँ पर एजेंडे को समझ लेते हैं। तो अभी जो ऑनगोइंग टेस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और अभी जो ऑनगोइंग हायरिंग्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑनगोइंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सो एजेंडा इज टेस्ट बेसिकली। सो कास्ट 24, जेपी मॉर्गन, एप्टन एआई, वर्टुसा, एक्सेंचर, इन सभी की प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे एक बार। साथ साथ में फिर हम बात करेंगे डिलॉयट अपकमिंग पोजीशन, टीसीएस, एनक्यूटी पोजीशन, टेक महिंद्रा पोजीशन और विप्रो पोजीशंस के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ऑनगोइंग टेस्ट को देखते हैं, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। बट वीडियो में आगे मैं तब जाऊंगा जब कास्ट 24 के बारे में काफी बड़ा अपडेट देना मेरे को आपको। सो जो अपडेट है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट 24 के। अभी मैंने बिल्कुल रीसेंट हायरिंग डाली है, ठीक है? तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जाकर आपको देखना है। और ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो पहले उसमें अप्लाई करके आओ और उसके बाद इस वीडियो को देखना, फिर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो जिसने भी कास्ट 24 में अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले आप जाके उसमें अप्लाई करिए, तब आप आगे बढ़ना, ठीक है? सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट की प्रोग्रेस के बारे में। सो देखो, हमने जितने भी अभी हायरिंग्स डाली हैं तो उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है। सबसे पहले अपन चलते हैं टेस्ट पे। तो अगर टेस्ट से मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेजन की। सो अमेजन की मैंने हायरिंग अपॉर्चुनिटी डाली थी क्वालिटी एसोसिएट पोजीशन की, और आप देख सकते हो इससे टेस्ट मेल लगातार आ रहे हैं। टेस्ट मेल नहीं है बेसिकली, ये आपकी प्रोग्रेस मेल्स हैं। ये अभी 3 अप्रैल को ही रिसीव हुआ है, जस्ट अभी रिसीव हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी हायरिंग मैंने अभी अपलोड करी थी 1-2 दिन पहले ही, और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। सो आप देख सकते हो इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आ गई, और इसके बाद आपके असेसमेंट्स के साथ आपको प्रोग्रेस किया जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, तो ये अभी अपन की प्रोग्रेस चल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एप्टन एआई की। तो एप्टन एआई की हायरिंग भी हमने डाली थी, एक गूगल फॉर्म हमने डाला था, तो जिन लोगों को उसमें शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है फर्स्ट राउंड में, उनको ये वाला मेल रिसीव हो गया। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन एप्टन एआई हैकाथॉन, कांग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड टू प्रोसीड फॉर द फाइनल इवेंट एट एप्टन बैंगलोर ऑफिस, जो 6 अप्रैल को होने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इवेंट है वो बैंगलोर ऑफिस में होगा, और अगर आप बैंगलोर ऑफिस नहीं जाना चाहते हो तो कोई भी मतलब नहीं था इसमें अप्लाई करने का या पार्टिसिपेट करने का। ये बात मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी। तब भी अगर किसी ने अपना इसमें टाइम वेस्ट किया तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट जो लोग बैंगलोर जा सकते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनके हिसाब से ये चीज सही है। बैंगलोर ऑफिस में अगर आप देखोगे तो पूरा एजेंडा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बैंगलोर ऑफिस जाना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपका हैकाथॉन चालू होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सारा चीज इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है? अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोग्रेस को एक बार चेक करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोग्रेस है वो है अपन की साइबर मेन्यू। तो मैंने इसकी भी हायरिंग पोस्ट करी थी और मैंने आपसे बोला था कि इस पर आप जरूर मेल कर देना, ये अगर आपको याद होगा। तो साइबर मेन्यू से भी डायरेक्टली यहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यूज आ चुके हैं, इसकी भी हायरिंग हमने पोस्ट करी थी, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी अभी प्रोग्रेस में है, फेस टू फेस इंटरव्यूज इसके आ चुके हैं। अगली प्रोग्रेस की बात करते हैं जो कि होने वाली है वर्टोसा की तरफ से। सो वर्टोसा की तरफ से अगर आपको ये तो हायरिंग पर काफी बच्चों ने ये वाली हायरिंग वीडियो देखी थी, तो इसके 2 राउंड हो चुके हैं और 3rd राउंड ऑलरेडी चल रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें मुझे चाहिए कि काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, और ऐसा मुझे लगता है कि हो जाएगा काफी बच्चों का सिलेक्शन। आप देखोगे तो राउंड 3 तक यहाँ पर आ चुके हैं, वर्सेंट ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट यहाँ पर आ चुका है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ, जो कि होने वाला है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जो कि काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर है। जो सबसे बड़ा अपडेट हमें जेपी मॉर्गन की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो जेपी मॉर्गन की तरफ से यहाँ पर काफी सारे बच्चों को इनविटेशन जा चुका है टेस्ट का, हैकर रैंक टेस्ट का, और ये आज ही मेल्स गए हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि ये कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है और इसके तरफ से भी हमें ये बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है टेस्ट का, ठीक है? तो ये अपन की अभी टेस्ट की प्रोग्रेस चल रही है जो अभी इस वीक की है। अगर और कोई टेस्ट भी होंगे तो उसको हम कवर कर देंगे वीडियोस में, क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ ना कि जो मतलब मेल्स वगैरह आ रहे होते हैं, अगर मैं हर वीडियो में दिखाना चालू कर दूंगा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सारे टेस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हायरिंग्स की। तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से चालू होने वाली हैं, तो जरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले अपन आगे बढ़ेंगे डिलॉयट की तरफ, ठीक है? डिलॉयट की तरफ अपन आगे जाएंगे और डिलॉयट के बाद अपन आगे यहाँ पर और कंपनीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कास्ट 24 का जैसे मैंने आपको बताया, अब अपन प्रोग्रेस करते हैं डिलॉयट के साथ। डिलॉयट का क्या सीन चल रहा है? तो देखो काफी लोगों ने पूछा है कि डिलॉयट का क्या सीन होने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन लोगों को एनएलए का ऑफर आ चुका है आप लोग अब शांत बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस होगी वो हो जाएगी, आप लोगों का टेंशन खत्म हो चुका है, आपकी नौकरी मिल चुकी है, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आप खुश हो जाइए अपनी लाइफ में, ठीक है? बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं, तो देखो डिलॉयट की तरफ से जो 2 बड़े इवेंट कंडक्ट कराए जाते हैं, एक होता है एनएलए
हर साल आता है, एक होता है OTN, ये दोनों इस साल आ चुके हैं और अब ये इवेंट आपके आएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में कौन एलिजिबल होगा इसमें? नेक्स्ट ईयर एनएलडी के लिए होगा 2025 बैच के लिए, और जो OTN होगा वो होगा 2024 बैच के लिए और 2025 बैच के लिए। दो OTN कंडक्ट करवाए जाएंगे, दो बैच के लिए, 2024 2025 के लिए। जो एनएलडी होगा वो होगा 2025 बैच के लिए, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या हमें कोई बड़ी हायरिंग देखने को मिलेगी? तो इसके अलावा आपको कोई मास हायरिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट यहाँ डिलॉयट में एक बहुत अच्छी चीज है कि डिलॉयट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तीन पोजीशन डिलॉयट अपने आप में डिवाइड करती है, एक होती है एसोसिएट एनालिस्ट, एक होती है एनालिस्ट, एक होती है BTA, दैट इज बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। अब ये जो एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन है टोटली फ्रेशर्स के लिए रहती है, ठीक है, और इसके लगातार मेल्स रिसीव हो रहे हैं। अभी अकाउंट पेबल्स का भी मेल आया हुआ है और इसकी हायरिंग्स आती रहेंगी। बट आपको ये है कि अगर डिलॉयट की तरफ से कोई भी हायरिंग आ रही है तो ये लोग रिवर्ट भी करते हैं। तो आपको ये करना है कि इनकी कोई भी हायरिंग को मिस नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो एनालिस्ट वाली पोजीशन है ये फ्रेशर्स एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा आती है, इसका जो पे पैकेज होता है वो 5 लाख से ऊपर का रहता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की कोई पोजीशन आती है तो उसमें रिवर्ट के थोड़े से कम चांसेस होते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसकी भी हायरिंग समय देखने को मिलेंगी। BTA जो होती है ये सबसे डिफिकल्ट है लेना, 7.6 का पे पैकेज रहता है, ऑफ कैंपस आपको देखने को मिलती है, ऑफ कैंपस देखने को मिलती है। इसमें आपको रेफरल लेना पड़ेगा अगर कोई सॉलिड अच्छी हायरिंग हमें देखने को मिलती है डिलॉयट की तरफ से, और इसमें जो पैकेज होता है वो होता है 7.6 लाख का। तो अभी फ्यूचर में अगर बात करूं तो एसोसिएट एनालिस्ट और एनालिस्ट की आपको हायरिंग्स लगातार देखने को मिलेंगी, हर महीने देखने को मिलेंगी। आज भी हमने डिलॉयट की कंसल्टिंग इंटर्नशिप का हमने डाली है अपॉर्चुनिटी, बट वो डिलॉयट इंडिया है, ये बात आपको याद रखना है, डिलॉयट इंडिया है, डिलॉयट USA नहीं है, डिलॉयट इंडिया है वो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब कोई मास हायरिंग नहीं आने वाली है, इस प्रकार की हायरिंग्स अभी हमें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं TCS NQT की। सो TCS NQT में भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग भी अभी इसके प्रिपरेशन में चल रहे हैं, आप जो वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आप वीडियोस से प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल शॉर्ट वाली वीडियोस देखना, वरना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। शॉर्ट वाली वीडियोस क्या है? जिसमें एप्टीट्यूड को या रीजनिंग को शॉर्ट में कवर करा है, फॉर्मूलाज बताए और जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न बताया, उसके बाद आपको सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर वीडियो देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना प्रैक्टिस के लिए, तो पता क्या होता है, आपकी स्पीड हो जाएगी आधी। तो आपको कैरियर राइट वेबसाइट को फॉलो करना है, कैरियर राइट वेबसाइट को फॉलो करके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वीडियोस के थ्रू करोगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। बाकी इसमें आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज देना है रीजनिंग और मैथ्स को, इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छी चलानी है, फिर आपको कोडिंग अच्छे से करनी है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको इंग्लिश को रखना है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल रहती है इसमें, एक तो निंजा होती है, ठीक है, डिजिटल होती है और प्राइम होती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज ही कहूंगा, इस तीनों को कंपेयर करते हुए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना, कल ही अपलोड करी है, कि तीनों में डिफरेंस क्या है। केवल सैलरी पैकेज का डिफरेंस नहीं है, बाकी भी डिफरेंस होते हैं, तो उसको जाके आप जरूर इसमें चेक कर लेना। अगर इसकी प्रोग्रेस फ्लो की बात करो तो यहाँ पर TCS NQT में अभी आप प्रिपेयर कर लो, 15 अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड इशूज हो जाएंगे। 15 अप्रैल एडमिट कार्ड इशू होने के बाद 26 अप्रैल को आपका टेस्ट आपका होगा, ठीक है। सो आपको आयन सेंटर में जाके यहाँ पर टेस्ट देना है 26 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ के बात करते हैं टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा की तरफ से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी टेक महिंद्रा की लगातार हायरिंग अपन की चलती अपन देख रहे हैं। अभी मैनुअल टेस्टिंग की मैंने डाली थी, उसके भी यहाँ पर रिवर्ट आ चुके हैं। टेक महिंद्रा का मैं यही कहूंगा कि टेक महिंद्रा भी और हायरिंग कर सकती है, और टेक महिंद्रा लगातार हायर कर रही है यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, दो पोजीशन बता रहा हूँ आपको, और कस्टमर सर्विस के लिए, ठीक है, कस्टमर सर्विस के लिए। अब यहाँ पर इन दोनों पोजीशन के अलावा जो और पोजीशन है, एक होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ASE, जिसकी हायरिंग अब यहाँ पर आना मुश्किल थोड़ी सी लग रही है। बाकी इसके अलावा फ्रेशर्स के लिए हायर करती है टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग और डेवलपर पोजीशन के लिए भी कभी कभार हायर करती है। अब इनकी जो आपको हायरिंग्स देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी डायरेक्ट रिक्रूटर से। सो इन हायरिंग्स पर मेरी नजर बनाई हुई है, अगर फ्यूचर में कोई भी हायरिंग देखने को मिलती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आगे बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो की तरफ से एक बड़ा अपडेट मेरे को देना है। विप्रो की तरफ से यहाँ पर
टेस्ट इंजीनियर के लिए हायरिंग आई हुई थी, अभी वो एक्सपायर हो चुकी है, बट विप्रो की तरफ से यहाँ पर मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ, विप्रो विल्प और विप्रो सिम इन दोनों का रिक्रूटमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, विप्रो विल्प और विप्रो सिम का। अगर बात करें विप्रो की अदर पोजीशंस की हायरिंग की, जो कि ये जनरली कंडक्ट पहले कराते थे, वो अभी फ्रीज हैं, वो नहीं हो रही हैं, ठीक है। और एक और जो बड़ा अपडेट है, विप्रो यहाँ पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायर कर रही है फॉर डिफरेंट पोजीशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया फ्रेशर्स के लिए भी टेस्ट इंजीनियर्स की हायरिंग हुई थी, तो आपको दो काम करने हैं। मैं यहाँ पर दो चीजें सजेस्ट करूंगा कि विप्रो में अभी जितनी भी इम्प्लॉयज और टैलेंट वाले जो भी लोग हैं, मतलब जो भी एचआर हैं या रिक्रूटर्स हैं, आप उनको कनेक्शन बना के रख लो, ये आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में डेफिनेटली हमें विप्रो की तरफ से प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो आई होप मेरे सारे अपडेट्स यहाँ पर खत्म होते हैं। एक अपडेट जरूर देना चाहूंगा जिसका वैसे मेरा बात करने का मन नहीं है, वो है एक्सेंचर। एक लाइन में डाउट क्लियर करूंगा, एक्सेंचर को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है, आज मैं ये पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सेंचर में हर चीज रैंडम है, इसमें दिमाग मत लगाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हर चीज एक्सेंचर के रिक्रूटमेंट में चल रही है रैंडम। दिस इज द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको कोई भी डाउट है, उसका आंसर यही है कि एक्सेंचर की हर प्रोग्रेस यहां पर रैंडम है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।